सीधा गेट खोला, एक बंदा यहाँ बैठ कर वीडियो बना रहा है, बाकी बंदा कोई उधर से कोई इधर से कोई उधर से मेरा बच्चा घूम कर गिर गया था। मैं बहुत रोकने का कोशिश की, मुझे हाथ पकड़ के खींच के धक्का मार के गिरा दिया। खून देखिए कितना गया, खून देखिए पूरा गंदा, देखिए वो देखिए काला कलर का शर्ट, पता नहीं क्या कलर है, देखिए तो। और मेरी जान क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। यार ये वीडियो देख के भाई मैं बहुत ज़्यादा भाई इमोशनल हो गया यार, मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैं भाई कभी कभी यही सोचता हूँ भाई कि अगर पारस की मम्मी की जगह मेरी मम्मी रहती भाई, तो फिर भाई मेरे मम्मी के ऊपर क्या बीत रहा होता और मेरे फैमिली के ऊपर क्या बीत रहा होता। एक्चुअली मैं भाई पारस की तो बस मम्मी है इस दुनिया में, उसके पापा तो है नहीं, और वो बंदा भी अकेले ही है भाई, यूट्यूब से ही भाई जो भी करता है अपना घर संभालता है एंड एवरीथिंग करता है भाई यूट्यूब के द्वारा, ठीक है। और भाई उसकी मम्मी की तुम लोग हालत देखो, इतना ज़्यादा घबरा गई है कि भाई क्या ही बोल सकते हैं। और भाई ये जाहिर है भाई, अगर आपके बेटे को घुस के भाई घर में कोई भाई मारे, इतना मारे भाई कि वो किसी हालत ना रहे भाई, तो कोई भी डर जाएगा यार, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद तो यार मैं भी थोड़ा सा भाई यहाँ पे परेशान हो गया यार, ठीक है, कि भाई कोई कितना बुरा हो सकता है इस दुनिया में भाई, कि एक गेम के लिए, मतलब एक वर्चुअल दुनिया है जहां भाई एक गेम है, कल आप हो या ना हो, ठीक है, उसके लिए भाई रियलिटी में आके भाई किसी की लाइफ को इस तरीके से खराब करना भाई, ये कोई बहुत घटिया इंसान ही कर सकता है, कोई बहुत घटिया इंसान कर सकता है। और उस घटिया इंसान का नाम है भाई डाको विलेन वाइटी। जैसा उसका घटिया नाम है वैसा ही घटिया वो इंसान भी है भाई, ठीक है। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी भाई वो बंदा यही कहता है कि उसने हमले नहीं करवाए, लेकिन भाई ऐसा गलत है यार, जबकि यार यहाँ पे बहुत सारे एविडेंस है भाई जो ये इशारा करती है भाई कि डाको विलेन गेमिंग वाईटी ही भाई जो यहाँ पे भाई कल्प्रिट है, और उसने ही भाई जो यहाँ पे ये सारे के सारे हमले करवाए हैं। कैसे भाई, मैं अभी आपको यहाँ पे एक एक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर अपने ये देख सकते हो, लाख रुपए की पॉपुलैरिटी कौन खरीदता है। जब मैंने ये चीज देखी तो मुझे गलत लगा भाई, 90 लाख रुपए या फिर 1 करोड़ रुपए पॉपुलैरिटी के अंदर कौन लगा रहा है। अभी सिर्फ मैंने प्लेन का प्राइस बताया है, और इसने जो गाड़ियां ले रखी हैं, चलो इसको दोस्तों ने दे दी होगी, है ना, फेमस है, काफी फेमस है तो होगा, फेमस है, पता नहीं कहाँ का फेमस है, मुझे नहीं पता। उसको देखने की तेरी औकात नहीं है, समझा, जो तू बकवास कर रहा है ना, हाँ मैं उसको पर्सनली ले लिया हूँ, अभी उसका हिसाब है ना बाकी है, तू वेट कर। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे भाई वो खुद ही कह रहा है भाई कि तूने जो भी एक्सपोज वगैरह किया है उसको मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली ले लिया है, और पर्सनली भाई लेने का मतलब यही है भाई कि वो उससे पर्सनली आके लड़ाई करेगा, और भाई इसका हिसाब बाकी है, तू वेट कर। तो भाई देख सकते हो खुद ही भाई वो ये कह रहा है भाई कि वो उसके ऊपर हमला करने वाला है, क्योंकि भाई उसने पर्सनली लिया है सारा चीज। अगर तेरी YouTube चैनल से तेरी रोजी रोटी चलती है तो आराम से खाना मेरे भाई, फिर ऐसा ना हो कि यार तेरी रोजी रोटी भी चली जाए और तेरी बकवास करने वाली जुबान भी। मैं ऐसा ना हो कि यार तेरी रोजी रोटी भी चली जाए और तेरी बकवास करने वाली जुबान भी। मेरा चैनल बंद हो गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तेरा चैनल बंद हो गया तो तू जानता है ना क्या होगा तेरा। तो भाई साहब तुम लोग खुद ही यहाँ पे सुन सकते हो भाई कि ये खुद ही उसको धमकी दे रहा है यार, कि अगर तेरा ये चैनल से रोजी रोटी चलता है तो कहीं तेरा ये चैनल ना चला जाए और तेरी ये बोलने वाली जुबान ना चली जाए। तो भाई इसका मतलब तो साफ ही है ये भाई कि तू यही कहना चाह रहा है कि भाई तू इसको आके मारेगा पीटेगा या तू इसका चैनल पे स्ट्राइक वगैरह देगा, जो कि देने से रहा भाई, क्योंकि स्ट्राइक तो तू पारस को दे सकता नहीं, ठीक है, तो तू उसका चैनल कुछ बिगाड़ सकता नहीं, इसलिए भाई तूने आके उसका ही बिगाड़ दिया, यानी कि भाई तूने उसके ऊपर आके हमला कर लिया। तो भाई ये चीज से भाई साफ इंटेंशन पता चलता है भाई बंदे का कि भाई डाको विलेन गेमिंग वाईटी भाई जो है यहाँ पे उसके ऊपर भाई हमला करने वाला था। अब भाई बाकी चलते हैं आगे की तरफ यार, तो आगे और भी काफी सारे एक्सपोजेस है जो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। जैसे एक कभी कोई आके मारेगा सुबह सुबह, और उनमें से पारस ने बताया एक बंदा बना रहा था वीडियो फोन में, और ये और कह रहा था अब बनाएगा तू वीडियो, अब बनाएगा, और एक बंदा कह रहा था इसे जान से मार दो, और एक कह रहा था कि इसे कपड़े में लपेट के ले चलो। तो भाई कोई क्यों भाई इस तरीके से भाई उसको मारेगा, उसकी वीडियो बनाएगा और कहेगा भाई इसे कपड़े में लपेट के ले चलो। भाई ऐसा तभी होता है भाई जब भाई कोई भाई किसी को हायर करता है किसी को मारने के लिए, और भाई ये वीडियो भाई ये बंदे लोग डाको विलन को देने वाले थे कि हाँ भाई आपका काम हो गया है, आपने जिसको मारने के लिए पैसे दिए थे हमने उसको मार दिए हैं, क्योंकि भाई ये सारी चीजें भाई तभी होता है भाई जब कोई भाई यहाँ पे किसी को हायर करता है। बाकी बात करते भाई यहाँ पे आगे डाको विलेन की तरफ भाई, कि डाको विलेन भाई एक्चुअली में कैसा है, तो भाई मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाहूंगा।
ये असली डाकू है जो पॉपुलैरिटी नंबर 6 पे है, ठीक है। अब मैं जो इसका नाम कैसे पता चला, इसका नाम मैं स्क्रीन पे खोल देता हूँ। इसने इसने बहुत बड़ी बेवकूफी की हुई थी, ये देखो, सॉरी कॉपीड कर लिया, ये देखो। अगर इसका सिग्नेचर में देखोगे, सिग्नेचर में इसने इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है अपनी, आईडी देख रहे हो, करण बीर बुट्टर नाम है इसका। तो भाई साहब करण बीर बुट्टर, भाई ये नाम तो भाई यही लगता है भाई कि कोई पंजाबी बंदा है भाई, और पारस अगर भी पंजाब में ही है भाई, एंड उसका हमला भी भाई पंजाब में ही हुआ था। तो भाई इससे साफ ही यही पता चलता है भाई कि जो अपना भाई ये डाकू विलन बंदा है भाई, जो ये शायद पंजाब से, ये झूठ कह रहा है भाई बार बार कि मैं गुजरात से हूँ या फिर मैं कहीं से हूँ, मैं कहीं से हूँ, लेकिन नहीं भाई, क्योंकि भाई इसका जो पहले इंस्टाग्राम आईजी का नाम था भाई, वो भाई तुम लोग देख सकते हो करण बीर बुट्टर था, और भाई साफ समझ में आ रहा है भाई कि किसी पंजाबी बंदे का नाम है। और भाई इसने ही भाई क्योंकि वहां पे जाके हमले करवाए भाई, क्योंकि भाई जो भी बंदा है भाई वो भाई कभी गुजरात से आके पंजाब में गुंडे हायर करके भाई किसी को मरवा नहीं सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन उसके लिए काफी ज्यादा सोर्स और पैसा चाहिए अगर उसके पास है तो अलग बात है, वरना भाई ये सारे काम भाई वो अपने लोकलिटी एरिया में ही कर सकता है। तो ऐसे भाई तुम लोग नाम से भी समझ सकते हो भाई कि करण बीर बुट्टर जो नाम है भाई वो किसी पंजाबी बंदे का ही नाम है। और भाई अगर भी तुम लोग जाके इंस्टाग्राम पे भाई इस नाम से चेक करोगे भी तो यार आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई मेरे को पता है भाई कि उसने भाई अपनी आईडी जो भाई वो यहाँ से हटा ली है या फिर चेंज कर ली है। लेकिन भाई ऐसे में अगर आप लोग यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करोगे भाई तो एटलीस्ट आपको पता ये जरूर लग जाएगा भाई कि हाँ भाई किसने जो भाई ये पहले आईडी यूज करी है एंड कौन इसको पहले फॉलो करता था। तो भाई अगर जांच पड़ताल की जाए भाई इस आईडी के ऊपर यार, तो जरूर कुछ ना कुछ और भी यहाँ पे सबूत बाहर निकल के आ सकते हैं यार, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे करी भाई तो वहां पे हैशटैग जस्टिस फॉर पारस का भाई पूरा का पूरा आईडी यहाँ पे उतारा हुआ था, जो कि मैं देखकर समझ गया था भाई कि ये आईडी जो भाई यहाँ से अब चेंज कर दी गई, और करण बीर बुट्टर नाम से भाई अब आपको वो आईडी नहीं मिलेगी जो पहले भाई यहाँ पे डाको विलन के पास में थी। अब अगर आप लोग जाओगे भाई तो वहां पे आप लोगों को पारस के नाम से ही कुछ पोस्ट मिल जाएंगे, एंड भाई ये चीज डाकू को भाई पता थी यार कि उसकी जो भाई यहाँ पे उसने सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि भाई उसका आईजी जो है भाई वो मेंशन था भाई यहाँ पे भाई उसके प्रोफाइल में भाई, जो कि वो हटाना भूल गया था। अब जब भाई सामने आ ही चुका है भाई तो क्या ही कर सकते हैं भाई, और ये चीज भाई हमारे सामने फैंटम गेमिंग ने भाई ला के रखी थी भाई कि भाई इसका नाम जो है भाई वो भाई यहाँ पे करण बीर बुट्टर है। लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पे पता करने के लिए जाओगे तो भाई आपको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, जो भी होना था भाई वो हो चुका है भाई, इन सारी चीजें हटा दी गई है। और अभी तक के भाई इन सारी चीजों से भाई यही फैक्ट सामने निकल के आता है कि भाई यहाँ पे डाकू विलन नहीं जो है भाई वो यहाँ पे हमले करवाए हैं, क्योंकि भाई उसका नाम पंजाबी है, हमला पंजाब में हुआ, साफ साफ आप लोग दो बारी धमकी उसकी सुन सकते हैं भाई जो उसने कही है भाई पारस को, ठीक है। एंड सारे डिंग टोन के नंबर या फिर फेक एप्लीकेशन जो भाई नंबर होते हैं वो सब भाई खुद यहाँ पे डाकू विलन ने ही परचेस किए थे भाई। तो सारे चीजें, सारे एविडेंस, सारे फैक्ट्स भाई उसके तरफ ही इंडिकेट करते हैं भाई कि डाकू विलन ने भाई यहाँ पे सारे के सारे हमले करवाए हैं। बाकी मैं दिल से यही चाहूंगा भाई कि पंजाब पुलिस भाई और जो भी पंजाब गवर्नमेंट है भाई वो प्लीज इस चीज पे भाई सख्त से सख्त भाई यहाँ पे भाई अपना इन्वेस्टिगेशन करे, और भाई जितनी जल्दी हो सके भाई पारस को इंसाफ दिलाए भाई, क्योंकि पारस तक तो ठीक था यार, लेकिन पारस की मम्मी की हालत देख के भाई मेरे को भी बहुत ज्यादा यहाँ पे रोना आ रहा है, क्योंकि भाई मैं उसकी मम्मी से अपनी मम्मी को रिलेट कर पा रहा हूँ एंड बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। तो ऐसे में प्लीज यार आप लोग इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो गाइस फुल्ली फैक्ट से भरी हुई है, एंड इसके अंदर भाई करण बीर बुट्टर नाम का एक नया मिस्ट्री भी आ चुका है भाई। तो इस मिस्ट्री को भाई आप लोग शेयर करो अपने दोस्तों तक, ये वीडियो पारस के नाम पे भाई शेयर होना चाहिए भाई, क्योंकि भाई जो ये करण बीर बुट्टर बंदा है ये भाई बचना नहीं चाहिए भाई, ये जो भी बंदा हो ठीक है भाई, फैक्ट लोगों के सामने आना चाहिए यार। तो एटलीस्ट प्लीज इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, एंड हाँ यार प्लीज एक लाइक करना, क्योंकि भाई काफी ज्यादा एफर्ट लगा है, एंड सारे सोर्सेस को भाई क्रेडिट जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भाई यहाँ पे दे दूंगा यार, एंड प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि पारस को यार हम लोग जस्टिस दिला के ही रहेंगे। एंड तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड सायोनारा।